तो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की से एक और न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और आज की इस वाली वीडियो में भाई तुम्हारा एक बहुत ज़्यादा बड़ा डाउट है कि भाई तू ग्लोबल वर्जन खेल रहा है या केआर वर्जन। तो आज की वाली वीडियो पूरी देखते रहना। अभी उतरे हैं भाई जॉर्ज पुल और उतरते ही मुझे UMP मिली। अब मेरे सामने गए वेयर हाउस में कुछ बंदे। यार जैसे इस वाले बंदे को मैं मारता हूँ भाई, मुझे इसके पास से मिलती है एक AR गन। अब भाई जॉर्ज पुल में तुम्हें एक AR गन मिल जाए, इससे ज़्यादा बढ़िया बात क्या ही होगी। यहाँ पे एक हेलमेट मिल गया, बैग मिल गया और हीलिंग कर लेते हैं बस थोड़ा सा, फिर चलेंगे दूसरे बंदों को मारने। और गाइस यह वीडियो तुम पूरी देखते रहना क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी फिलहाल दो बंदे कंटेनर में कैंप कर रहे थे, इन्हें भी ख़त्म करा, पर यार इन्हें फ्लेयर वेस्ट कर दी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं पारी मैच कैसीनो ऐप के बारे में। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है जो कि आपको ऑनलाइन गेम खेलने के पैसे देता है। यहाँ पे तुम कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके और छोटे मोटे से गेम्स खेल के रियल कैश जीत सकते हो। पारी मैच में तुम काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट डिपॉजिट करके फास्ट विड्रॉल ले सकते हो। यहाँ पे 24/7 तुम्हें कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाता है और कंपनी तो भाई काफी ज्यादा ट्रस्टेड है, मतलब 27 साल से भाई स्पॉन्सरशिप्स करा रही है। गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें परी मैच का लिंक मिल जाएगा, तो जाओ अभी जाके रजिस्टर करो और भाई गेम खेलो और पैसे जीतो, मतलब काफी ज्यादा बढ़िया ऐप है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। अभी मेरे पास 5 की सिर्फ 30 MO थी और 30 MO में भाई मुझे नहीं लगता मैं जॉर्ज पुल क्लियर कर पाऊंगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले एक बंदा मेरे सामने से क्रॉस करके जाता है, मैं उसके स्प्रे देता हूँ पर वो बच जाता है क्योंकि भाई वहाँ पे एक कंटेनर था, उसको उसकी कवर मिल गई। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक ग्रेनेड उठा लेता हूँ और मेरा टीममेट मुझसे कहता है कि इनसे मजाक बिल्कुल भी मत करना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे हैं। मैंने कहा कोई नहीं भाई, हम भी ख़राब नहीं हैं। और सीरियसली गाइस बंदे तो अच्छे हैं। तो अगर तुम्हें ये वाला सीन पसंद आया हो तो मेक श्योर तुम इस वाले वीडियो पे लाइक कर दो, और अगर तुम नए हो इस वाले यूट्यूब चैनल को तो भाई मेक श्योर कि तुम लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा क्लोज है गाइस 2 मिलियन के। और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए मतलब दिल से थैंक यू। अभी अपने 2 मिलियन हुए नहीं हैं तो करा देना। अभी हमारे पास एक फ्लेयर भी होती है गाइस, उस फ्लेयर को चलाने के बाद मुझे मिली उसमें से MK। और यार ओक मैं इसलिए नहीं उठाता क्योंकि मानो या ना मानो ओक से बढ़िया M4 है। तुम मुझे बताना तुम्हें क्या लगता है। अब चलो सबसे पहले ना एक डाउट हम क्लियर कर लेते हैं आपस में ही, ठीक है। बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि भाई मैं ग्लोबल वर्जन खेल रहा हूँ अभी भी, क्योंकि ये वाइट वाली आउटफिट जो है ना ये मेरे ग्लोबल वर्जन में भी थी और KR वर्जन में भाई इतनी सारी स्किन्स मेरे पे कहाँ पे आ गई, कहाँ से आ गई, मतलब बंदे यही सोचते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूँ, वन टैप एम गोड नाम का भाई एक फ्रेंड है, उसने यार ये मुझे अपनी आईडी दे रखी है और रात को मैं खेल लेता हूँ इससे, दिन में वो खेल लेता है। तो ये एक कोरियन वर्जन की आईडी है। अब भाई मैं VPN लगा के तो नहीं खेलता ग्लोबल वर्जन अपना, तुम देख सकते हो मेरी ग्लोबल वर्जन की आईडी तो भाई ऐसे ही गोल्ड वोल्ड में पड़ी होगी कहीं, क्योंकि जब से PUBG मोबाइल बैन हुआ मैंने एक बार भी ग्लोबल वर्जन खोल के नहीं देखा। हाँ ये बात मैं मानता हूँ, तब तक मैं ग्लोबल वर्जन खेलता था जब तक मतलब ग्लोबल वर्जन के सर्वर चलते थे, बट जब से उसमें VPN वगैरह लगा के खेलने लगे तो भाई मैंने VPN तो लगाया नहीं, मैं कोरियन वर्जन खेलने लगा। और VPN में एक तरीके से सपोर्ट तो नहीं करता भाई, पर तुम खेल सकते हो भाई, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऑलरेडी खेल रहे हैं, किसी को बैन वगैरह भी नहीं हो रहा कुछ। अब वो तुम्हारी चॉइस है भाई, तुम अगर ग्लोबल वर्जन खेलना चाहते हो, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स उसमें थे तो वो तुम्हारी चॉइस है, पर यार मैं तो ग्लोबल वर्जन नहीं खेल रहा क्योंकि मैं तो एक आधे बंदे के साथ ही खेलता हूँ, उनको ही मैंने ऐड कर लिया इस वाली KR वाली आईडी में। अब यार मेरे तो बहुत ज़्यादा कम दोस्त हैं जैसे कि मिर्मे लक्की और ये GameXPro जी गुरु जी बंदूकबाज। यार PUBG मोबाइल ने हमें जो मेमोरीज दी हैं आई थिंक सो कोई और गेम दे पाए, और मैं ये चीज़ भी समझता हूँ तुम्हें, तुम्हारी भाई रियल लाइफ से ज़्यादा बढ़िया बंदे ना PUBG मोबाइल में मिले होंगे। कुछ तो ऐसे दोस्त होंगे भाई, मतलब क्या ही बताऊँ, वैसे तो तुम्हारे दोस्त मतलब रियल लाइफ में भी नहीं होंगे, और कुछ बंदे तो भाई साहब PUBG में मिलते हैं और फिर रियल लाइफ में एक दूसरे से मिल लेते हैं, मतलब क्या ही कनेक्शन है यार।
पर मुझे लगता है अभी मैंने थोड़ा ज़्यादा भाषण झाड़ दिया। और यहाँ पे तुम सबसे पहले मैच की मेरी मौत देखना। यहाँ पे वाला मैच भाई मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा बेकार था। ओपन में गाड़ी रोक के थर्ड पार्टी करना भाई बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। ये बात मुझे भाई मर के समझ आई, पर इस वाले मैच में देखना क्या था भाई मजा आते। साला शरीफ लोगों की जिंदगी बर्बाद करेंगे हम लोगों ने। उतरते ही तुम्हारे भाई को एक एम मिली, उसके साथ एक लेवल 1 की वेस्ट। हेलमेट वगैरह भी नहीं है पर बंदे सामने हैं। तुम्हारे पास बंदे हैं क्या? अभी कुछ जो है मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो कि भाई कुछ पेड वीपीएन यूज करते हैं और कुछ फ्री वीपीएन यूज करते हैं, तो तुम कमेंट सेक्शन में मेरे से भी पूछते हो कि भाई कौन सा वीपीएन यूज करना चाहिए। भाई वो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हारे पास कोई पेड वाला है तो पेड वाला यूज कर लो, फ्री वाला है तो फ्री वाला यूज कर लो। बट अगर तुम्हें केआर खेलना है तो केआर खेल लो भाई, जो मन करे ना वो करो। अभी जो है गाइस मैंने इस बंदे को नॉक कर दिया था, बारी थी इसके टीममेट्स की जो कि मेरे बिल्कुल सामने थे। सामने वाली स्क्वाड के मैंने 2 बंदे नॉक कर दिए, पर मेरे टीममेट भाई पता नहीं कौन सा सस्ता नजर करके भाई क्या खेल रहे, मतलब भाई एक भी नॉक नहीं आया इनकी तरफ से, कवर तक नहीं आया। पर चलो कोई नहीं, लास्ट में अपन बच जाते हैं, मरता नहीं तुम्हारा भाई। और उसके बाद अपन ये मिक्की माउस वाली या नोडी वाली कार कह लो तुम भाई से, पता नहीं क्या मस्त है, पर जो भी कहो बढ़िया है। इस वाली कार को हम लेके जाते हैं सीधा डायरेक्ट रोजोक में, और वहाँ पे हमें कुछ बंदे मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिस बंदे पे मैं एम करता हूँ भाई, उस बंदे का किल चोरी हो गया था। उसके बाद मैंने पीछे वाले बंदे के हेड टेक दिया और भाई लाल मार कर आया था, तो मैंने सबसे पहले अपने हाथ में पेन निकाला और भाई मैं भागने लगा इसकी तरफ। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं भाई, जिस बंदे को मैं मारने जा रहा था उसको तो मेरे टीममेट्स ने ही पेल दिया। और यहाँ पे एक खतरनाक रोजो की एंट्री तो थी, पर मुझे इस एंट्री में ना किल नहीं मिले भाई। मेरे टीममेट्स पता ही नहीं क्या कर रहे थे भाई। इस बारी तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने तुझे सिवर्नी में कवर नहीं दी थी, पर इस बारी हम देख लेंगे। मैंने कहा भैया मारो ऊपर सालों, किल तो लेने दो, कंटेंट नहीं बनने का अपना। अब यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा भाई छत से कूद के अपने टीममेट को बचाने की कोशिश करता है, मेरा एक टीममेट भाई यहाँ पे ये जादू वाली पेटी बना देता है, मतलब जोकर वाली बिल्कुल मस्त। मेरे पे भी थी फुल एम, और याद आती है आज भी उसकी ग्लोबल वर्जन में। यहाँ पे ये जो होता है भाई रोजोक, हमने पूरा का पूरा क्लियर करा भाई, सीरियसली मजा आ गया भाई यहाँ पे बिल्कुल। भले ही चाय किल नहीं मिले, पर हाँ तुम्हारे भाई ने गन तो चलाई ना। और उसके बाद हम आए सीधा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदे थे पोचिंग की में। मैंने एक एनर्जी ड्रिंक मारी और साइड वाली 3 स्टोरी से ना भाई एक बंदा कती फायर वगैरह दे रहा था बिल्कुल, कह रहा भाई आ जाओ हम निपट लेंगे तुम्हारे से। पर इस बंदे की मौत देखने लायक है भाई, क्या ही ओपी रिफ्लेक्स से मारा इसे। तो मुझे पता था यार मोस्ट ऑफ दी बंदे तो भाई यहीं पे टीपी भी लेते हैं, और इसके सामने मैं नहीं घुसा, बस मैंने पीक करा और भाई प्री फायर मारा और बंदा नोक। पबजी मोबाइल में फायर वगैरह सब कर लेते हैं, पर भाई लास्ट में जो एक चीज़ बचती है ना, मतलब वो है भाई गेम सेंस और मूवमेंट, और तीसरी चीज़ भी बचती है जो कि मेन इम्पोर्टेंट है, डिवाइस। पबजी मोबाइल में 60 FPS वाला डिवाइस हमेशा मैटर करता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि जिस बंदे की 60 FPS आ रही होगी भाई वो तुम्हें इजीली मार सकता है, और 30 FPS में भाई जब लैग होगा तो तुम्हारी गोली भाई सफ़र करके जाएगी थोड़ा सा बंदे के लगने में।
अभी जो है मेरे टीममेट्स ने भाई मेरे लिए बंदे ढूंढ लिए थे यहाँ पे स्कूल अपार्टमेंट में, पर तुम्हारे भाई के हाथ में M249 थी तो ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं तो सबसे पहले ऊपर ही चला गया, मैंने कहा कहाँ है बंदे, पर नीचे थे। यहाँ पे एक ये गिले सूट वाले बंदे को नॉक करा, इसे तुरंत फिनिश करा। उसके बाद दो बंदे आ रहे थे ओपन से और भाई इनके ग्रोजा के सिंगल टैप क्या ही मारे। इन बंदों के भी इजीली किल मिल गए मुझे और मेरे टीममेट तो भाई इस बार ही देखते ही रह गए कि इसने साला बंदे ख़त्म कहाँ कर दिए ग्रोजर से, पर मैंने बहुत दूर मारा था उन बंदों को तो इन्हें पता भी नहीं लगा और यहाँ पे किल भी निकल गया। चलो भाई बढ़िया बात है, केडी मेंटेन हो जाएगी आई थिंक सो। ओ बंदा बंदा वॉच आउट, चार में से एक तो नो कर रखा मैंने, नो कर रखे मैंने, नो कर रखे मैंने, नो भी नहीं खेला क्या भाई। स्कूल अपार्टमेंट से हम निकलते ही हैं भाई तभी यहाँ पे और बंदे आ जाते हैं। यार सीरियसली इस बंदे के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ क्योंकि ये बंदा बेचारा ड्रॉप लूटने के लिए आया था और हम तीनों ने इसे पुश करके मार दिया। वैसे मारा अकेले मैंने था पर ये तीन बंदे देख के डर गया होगा जरूर। अब बच रहा था गाइस सिर्फ एक बंदा जो कि लास्ट बंदा था और इस बंदे को भाई मैंने ठान लिया था कि यार इस बंदे को तो पेन से मारेंगे और मैंने इसे देखना कैसे मारा। तो होप सो गाइस तुम्हें आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो इस वाली वीडियो पे लाइक करते जाना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।